नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टोरी सेलीज एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने एटमोस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट किया था, मेजर किया था कि उसकी वैल्यू क्या है। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट है, चलिए वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो एक ट्रफ ले लिया, एक कंटेनर कह सकते हैं, और उसके अंदर उन्होंने प्योर मरकरी को कुछ लेवल तक फिल कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये प्योर मरकरी है, तो यहां पर ये क्या है, प्योर मरकरी। तो प्योर मरकरी को इसके अंदर फिल कर लिया गया इस तरह से, मान लीजिए इतना फिल कर लिया। और उन्होंने उसके बाद एक ट्यूब ली, इस तरह से एक ट्यूब ली, और इसके अंदर भी प्योर मरकरी को फिल कर लिया गया। तो इसके अंदर भी क्या है, प्योर मरकरी, ये भी प्योर मरकरी है। और इसके ऊपर जो है स्केल भी ग्रेजुएटेड था, लगभग 1 मीटर की ये ट्यूब थी जो लंबी थी, और यूनिफॉर्म एरिया सारा इसका एरिया एक समान था ऊपर से नीचे तक, एक एंड क्लोज एक एंड ओपन, इसको फिल कर लिया गया। उसके बाद इसके ऊपर थंब रखा गया, उन्होंने थंब रखा इसके ऊपर, इसको क्लोज कर लिया अच्छी तरह से। अब उन्होंने इस ओपन एंड को क्लोज करने के बाद उन्होंने इसको अच्छी तरह से टाइटली थंब के साथ इसको दबाया, और इसको ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, इसी ट्यूब को, ये जो ट्यूब थी इसके अंदर उल्टा कर दिया, इसके अंदर उल्टा करके उन्होंने थंब हटा लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहां से जो मरकरी लेवल था ये पूरी फिल थी, मरकरी लेवल देखिए यहां से गिरना स्टार्ट हो गया। तो एक हाइट तक गिरने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, और एक हाइट तक गिरने के बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसके बाद ये नहीं गिरा। तो ऊपर से पहले तो नीचे नीचे गिरता रहा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये नहीं गिरा इसके अंदर। तो यानी कि ये जो स्पेस है यहाँ पे मरकरी नहीं है, और यहाँ तक जो है मरकरी का लेवल है। अगर हम इस सरफेस से इस मरकरी का लेवल देखें, तो जब उन्होंने मेजर किया इसको, तो ये हमारा लगभग 76 सेंटीमीटर आया, और आप इसको 0.76 मीटर भी कह सकते हैं, अगर मीटर में देखना है तो 0.76 मीटर या फिर 76 सेंटीमीटर आप इसको यहां बोलेंगे। तो उन्होंने देखा कि इतना जो है ये इतना लेवल इसका मेंटेन रहा, उससे नीचे नहीं आया। उसके बाद इन्होंने इसको इस ट्यूब को ऊपर नीचे भी किया इसके अंदर, लेकिन ये लेवल चेंज नहीं हुआ जो सरफेस से यहां तक का लेवल था। उसके बाद उन्होंने इसको टिल्ट भी करके देखा, लेकिन ये लेवल जो है इतने ही हमारे पास वैल्यू आई, यानी कि जो कि ये वैल्यू थी, ये जो थी 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर। तो ये उन्होंने क्या फिर इससे अंदाजा लगाया कि ये जो ओपन एंड है जैसे कि ट्रॉफ है, अब ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेवल क्यों मेंटेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो ओपन है, तो यहां पर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर दबाव बना रहा है, जो कि ये दबाव जो है इसके थ्रू यहाँ पे वर्टिकल कॉलम पर लग रहा है, जिससे कि ये जो एक एक्विलिब्रियम पोजीशन पर टिका हुआ है, यानी कि कोई चीज जो है इसको इस तरफ जो है दबाव बना रही है, इस वर्टिकल कॉलम को नीचे नहीं आने दे रही। तो वो क्या था, एटमोस्फेरिक प्रेशर था, जिनकी उन्होंने वैल्यू क्या यहाँ पे निकाली कि जो लेवल ऑफ मरकरी है इस वर्टिकल कॉलम के अंदर 76 सेंटीमीटर है, तो ये जो है लेवल जो है मरकरी का, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को दर्शा रहा है। अब उन्होंने ये मरकरी कॉलम को, ये उन्होंने इस तरह से एटमोस्फेरिक प्रेशर को मरकरी कॉलम के थ्रू दिखाया। अब उन्होंने क्या किया इसके अंदर, अब देखिए ये तो लेवल हो गया मरकरी का, ऊपर ये जो खाली स्पेस है यहां पर हमारी क्या होती है, यहाँ पे वैक्यूम होती है, तो इसको आप इसीलिए टोरिसेली वैक्यूम भी बोलते हैं, टोरिसेलियन वैक्यूम बोल देते हैं, इसको नाम दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहां पर देखिए वैक्यूम होती है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ मरकरी के छोटे मोटे वेपर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वैक्यूम ही होती है जिसको टोरिसेलियन वैक्यूम बोलते हैं, बाकी मरकरी का ये लेवल रहता है। अब अगर हम सी लेवल पर बात करें, जो कि हमें पता है इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन ये कैसे निकाली गई ये आज हम देख रहे हैं। सी लेवल पे जो वैल्यू होती है एक एटमोस्फेरिक प्रेशर की, हम कितनी लेते हैं, 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्केयर, यही लेते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्केयर की जगह आप पास्कल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एट सी लेवल हम इतनी वैल्यू लेते हैं, तो कैसे निकली, अब ये जो हमारी निकली, अगर हम जो है इस मरकरी की डेंसिटी को, हमें पता है कि कितनी होती है रो, जो मरकरी की डेंसिटी है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 13.6 इंटू 10^3 kg per meter cube, ये मरकरी की डेंसिटी होती है, मरकरी की बात कर रहे हैं।
और जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है। यहां से यहां तक जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 0 मीटर में अगर लें 76 मीटर इतनी है। रो है हमारे पास, जी है हमारे पास, एच है हमारे पास, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एफ बाई ए, यही होता है। F क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, तो G हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है A है, यही है। तो ये F हमने mg लिख लिया और A हमारा यहाँ इसी तरह से आ गया। अगर अब हम इसे H से मल्टीप्लाई कर दें और H से ही डिवाइड कर दें, यानी कि H से मल्टीप्लाई H से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, mg h डिवाइड बाय एरिया इनटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम, तो ये v आ जाएगा, और m बाय v को आप क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, रो जी एच, यानी कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है ये हमारा बनता है रो जी एच, इसलिए हमने ये तीनों चीजें लिखी रो जी और एच। अब आप प्रेशर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, रो की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला बना, रो की वैल्यू है 13.6 × 10⁻³, और जी की वैल्यू है 9.8, H की वैल्यू है 0.76 मीटर। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे रो जी एच को, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो आपको मिलती है 1.013 × 10⁵, यही मिलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और पास्कल आप इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहां से आती है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोरिसेली एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये वैल्यू जो है निकाली गई, अगर आप निकालते हैं तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं कि मरकरी के लेवल से, उसकी डेंसिटी से, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तभी ये जो वैल्यू है फाइंड आउट उन्होंने मेजर इसकी वैल्यू की थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।